गौशाला मंदिर जीटी रोड के प्रांगण में माहेश्वरी सभा रजिस्टर्ड का नौवां रक्तदान शिविर लगाया गया। शिविर का शुभारंभ भगवान शिव के रुद्राभिषेक के द्वारा किया गया। तत्पश्चात दीप प्रज्वलन समारोह की मुख्य अतिथि अंजू भाटिया, धर्मपत्नी संजय भाटिया व विशिष्ट अतिथि पानीपत की महापौर अवनीत कौर व पूर्व महापौर सरदार भूपेंद्र सिंह ने रक्तदान शिविर का दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम की शुरुआत की। शिविर में 74 यूनिट रक्त इकट्ठा किया गया। 65 यूनिट कम होने की वजह से यह आंकड़ा 140 नहीं हो पाया और 74 ही रह गया। 74 में कई लोगों ने पहली बार रक्तदान किया। इस अवसर पर सांसद संजय भाटिया की पत्नी अंजू भाटिया ने कहा कि यह उनका पहला रक्तदान शिविर है जिसमें उन्हें भाग लेने का अवसर मिला है। रक्तदान महादान है, आप रक्तदान करके किसी की भी जान बचा सकते हैं। योग प्राणायाम सिखाता हूँ और मैंने एक बार योग प्राणायाम की तरफ से पानीपत में 2006 में लगाया था ब्लड डोनेशन। 600 लोग से रिकॉर्ड है ये पानीपत में। मेरा ये विश्वास है कि मैं उस वक्त मेरा खून लिया कि तब मैं 73-74 साल का हो गया था। मैंने बहुत बार कहा मेरे पे इतना खून तुम लो, नहीं लिया उन्होंने, लेकिन मैंने बताया इससे कोई नुकसान नहीं है, देने से लोगों को फायदा होगा। यहाँ पर 65 बार देने वाले हैं जिन्होंने दिया, हट्टे कट्टे हो गए, इससे कुछ फायदा ही होगा, नुकसान को नहीं। ये प्रश्न में आपको ऐलान शर्त लगा कर कह सकता हूँ, खून देने से फायदा ही फायदा, नुकसान। सभा का आज नौवां रक्तदान शिविर के उपलक्ष्य में और महेश जयंती के उपलक्ष्य में सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। माहेश्वरी सभा रजिस्टर्ड पानीपत का ये नौवां रक्तदान शिविर है। पानीपत में माहेश्वरी सभा 2004 में स्थापित हुई और निरंतर विगत 9 वर्षों से रक्तदान शिविर का आयोजन करती आ रही है। समाज के और कई पुण्य परमार्थ और परोपकार, पौधारोपण, स्वच्छता, कई कार्यक्रमों में बराबर चढ़ करके हिस्सा ले रही है। आज हमारे बीच समारोह के मुख्य अतिथि श्रीमान संजय भाटिया जी के धर्मपत्नी जी, श्रीमती अंजू भाटिया जी, मेयर हमारे अवनीत कौर जी, पूर्व मेयर भूपेंद्र सिंह जी, साथ में हमारे माहेश्वरी समाज के अशोक गुप्ता जी अन्नपूर्णा एक्सपोर्ट से, सभी पानीपत के प्रमुख बुद्धिजीवी और प्रमुख लोग यहां आज उपस्थित थे, जिसमें रघुवीर जी सैनी, श्री भगवान जी अग्रवाल, पुरुषोत्तम जी शर्मा, मोहनलाल जी गर्ग और मेरे पानीपत के सभी माहेश्वरी सभा के पदाधिकारी और सभी सदस्यों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। इन सभी ने जो आज इस प्रोग्राम को सफल बनाया और इस रक्तदान के माध्यम से पूरे शहर को संदेश दिया कि खून देना कोई गलत काम नहीं है। खून हर 3 महीने में निश्चित रूप से वैसे ही खराब हो जाता है, तो मैं मेरे दोस्त और साथियों से ये निवेदन करूँगा कि कभी रक्तदान देते हुए कतराएं नहीं। रक्तदान से किसी की जान बच सकती है, ये आप अपने जीवन में ऐसा संदेश लें और निश्चित रूप से परमार्थ और परोपकार का अपना एक जीवन का हिस्सा बनाएं। तो जीवित किस लिए है, ये संत विनोबा भाव का स्लोगन है जो हमने 5वीं क्लास में पढ़ा था, जिन्होंने आज इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। सभी समाज सेवियों का, सभी मेरे पानीपत के माहेश्वरी समाज के सदस्यों का सुरेश काबरा, धन्यवाद। यहाँ पर नौवां शिविर था, रक्तदान शिविर था, जो कि माहेश्वरी सभा ने आज लगाया था और हर साल ये शिविर जो है इसी तरह ही लगता है। और जितने भी नीडी पर्सन्स हैं, जो बीमार हैं, जो अपने जीवन और मरण के बीच में जूझ रहे हैं, उनको ये रक्तदान वहाँ तक पहुँचा कर उनकी मदद करते हैं। और मेरा मानना है कि ऐसा दान जो है दुनिया का सबसे बड़ा दान है जो दूसरों को जीवन दे सके। और मैं पूरे पानीपत वासियों को यही जो है अनुरोध करना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा शिविर जो है हमारे पानीपत से लगने चाहिए, ताकि सबसे भले का काम जो हो, सबसे बड़ा दान का काम हो, हमारे पानीपत से सबसे ज़्यादा हो और इसी समाज के साथ और जुड़कर इस समाज को और महा जो है महाशिविर बनाएं, महाशिविर जो है लगाएं इस समाज के साथ मिलकर। और सभी यहाँ पर जो शहर के जितने भी मुखिया थे, प्रमुख लोग यहाँ पर इस समाज के साथ जुड़े हुए हैं, जिनके बलबूते आज हमारा समाज खड़ा है, उन्हीं के बलबूते खड़ा है और उन्हीं के बदौलत आज यहाँ पर शिविर लगता आया है और हर साल लगता आया है और यहाँ पर आकर हमें बहुत अच्छा लगा। ये रक्तदान शिविर माहेश्वरी सभा ने लगाया और यहाँ मुझे आने का मौका मिला, मैं उनको धन्यवाद करूँगी। मुखिया दीदी तो संजय जी थे, लेकिन किसी कारणवश और अचानक उनकी रोहतक मीटिंग आई तो ये मौका मुझे मिला और मैं रक्तदान शिविर में ये मेरा पहला मौका है और बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये बहुत पुण्य का काम है। क्योंकि कई बार जब हम हॉस्पिटल जाते हैं, वो कहते हैं ना कि
खून की कमी से उसकी मौत हो गई, ये हो गई, जो ये ब्लड डोनेट करते हैं ये एक बहुत अच्छी सोच है। लेकिन अगर हम खुद किसी से कहें ना कि आप रक्तदान करें तो वो कहेंगे नहीं, इससे हमें कमजोरी आती है, हम रक्तदान नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, जो यंग बच्चे होते हैं उनकी रिकवरी बहुत जल्दी हो जाती है। और मैं समझती हूँ, मैं उनका डॉक्टर का भी धन्यवाद करना चाहूँगी जो हर साल ये काम करते हैं, बहुत शुभ काम, और मेरा उनका तहे दिल से उनको धन्यवाद है। और बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर, और यहाँ सब मेरे साथ अभिनीत भी हैं, पूर्व मेहर वो भूपेंद्र जी जी थे वो भी चले गए, लेकिन मैं तहे दिल से आपका भी धन्यवाद करना चाहूँगी जो आपने ये मौका दिया। और आगे जो ये रक्तदान शिविर का है ये हर साल यूं ही चलता रहेगा, और जो भी सहयोग होगा वो हम करेंगे अगर वो मौका दें।